और अब बात हिंदुत्व के नाम पर होने वाले राष्ट्र से छल की। रविवार को विजयदशमी के पर्व पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुत्व के बारे में भ्रम दूर करने की कोशिश की। उन्होंने हिंदुत्व को बदनाम करने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग पर प्रहार किया। हिंदू और हिंदुत्व के साथ दशकों से छल करने वाली राजनीतिक पार्टियों को कटघरे में खड़ा किया। भागवत ने समझाया कि हिंदुत्व असल में भारत के संविधान की व्यवहारिक छवि है, जिसमें सभी धर्मों का सम्मान छिपा हुआ है। लेकिन भागवत के इस बयान पर भी ओवैसी जैसे नेताओं ने राजनीति शुरू कर दी। ओवैसी ने भागवत के बयान पर मुस्लिम कार्ड खेला। हिंदू और हिंदुत्व क्या है? हिंदू और हिंदुत्व पर संघ क्या सोचता है? क्या हिंदुत्व की विचारधारा बांटने वाली है या हिंदुत्व देश के संविधान की मूल भावना है? सबसे पहले हिंदुत्व पर भागवत दर्शन सुनिए। हिंदुत्व एक ऐसा शब्द है जिसके अर्थ को पूजा से जोड़कर संकुचित किया गया है। वास्तविकता में और हमारी मान्यता में वह शब्द अपने देश की पहचान को अध्यात्म आधारित उसकी परंपरा के सनातन सातत्य तथा समस्त मूल्य संपदा के साथ अभिव्यक्ति देने वाला एकमात्र शब्द है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने यह बड़ी बात नागपुर में विजयादशमी के मौके पर कही। संघ ने इस बार शस्त्र पूजन का कार्यक्रम नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर परिसर में आयोजित किया था। इस मौके पर मोहन भागवत ने देश को संबोधित किया। अनुच्छेद 370, राम मंदिर, नागरिकता कानून और चीन के साथ गतिरोध पर अपने विचार रखे। कोरोना जैसे कई मुद्दों पर बात की, लेकिन उनके संबोधनों में सबसे लंबी चर्चा हिंदू और हिंदुत्व पर ही हुई। वास्तविक में हम देखते हैं कि हिंदू ये किसी पंथ संप्रदाय का नाम नहीं है, किसी एक प्रांत का उपजाया अपना शब्द नहीं है, किसी एक जाति की बपौती नहीं है, किसी एक भाषा का पुरस्कार करने वाला शब्द नहीं है। हिंदू राष्ट्र के नाम पर पिछले 70 वर्षों से देश को गुमराह करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसीलिए हिंदू और हिंदुत्व से छल करने वाली ऐसी सभी राजनीतिक पार्टियां भी आज संघ प्रमुख के निशाने पर रही। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, तो इसके पीछे हमारी कोई राजनीतिक संकल्पना नहीं है, सत्ता केंद्रित संकल्पना नहीं है कि केवल हिंदुओं, हिंदू जो अपने आप को कहता है या दुनिया जिसको हिंदू मानती है उसी का रहेगा, बाकी सब बाहर, ऐसा नहीं है। अपने राष्ट्र का स्व हिंदुत्व है। हम हिंदू है यानी क्या है, ये एकमात्र बात है सारे विश्व की विविधताओं का पूर्ण स्वीकार और सम्मान। आप अगर देश के संविधान को जानेंगे समझेंगे तो यही बातें तो संविधान में भी लिखी हैं। सबका देश, हर जाति धर्म मजहब के लोगों का अपना भारत, फिर टुकड़े टुकड़े गैंग क्यों अपने हितों की रोटियां सेक रहा है? कभी श्री राम मंदिर के नाम पर तो कभी नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर। नागरिकता अधिनियम संशोधन कानून वो संसद में संसद की पूरी प्रक्रिया के बाद पास हुआ। उन्होंने ऐसा वातावरण बनाया कि इस देश की मुसलमानों की संख्या न बढ़े, इसलिए नियम लाया गया, तो उसके चलते और उसका अच्छा विरोध शुरू हो गया, प्रदर्शन आदि होने लगे, देश के वातावरण में तनाव आ गया। असल में ऐसे ही नेताओं पर मोहन भागवत की ये हिंदुत्व दर्शन वाली स्ट्राइक थी, जिससे तिलमिलाकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी फौरन सामने आए और CAA पर एक बार फिर मुस्लिम कार्ड चला। हम बच्चे नहीं हैं कि हमें भटका दें। BJP ने ये नहीं बताया कि CAA और NRC का एक साथ क्या अर्थ है। अगर ये मुसलमानों के बारे में नहीं है तो कानून से धर्म के सभी संदर्भों को हटा दें। ये बात जान लें कि जब तक कानून में हमें अपनी भारतीयता साबित करने की बात होगी, तब हम इसका बार बार विरोध करेंगे। चाहे वो ऐसी हो या राहुल गांधी या फिर बांटने की सोच रखने वाला कोई और दल या नेता, एक बार ठीक से जान लें और समझ लें कि देश के मुसलमान भी ये बात जान चुके हैं कि हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर उन्हें दशकों से डराया जाता रहा, वोटों के लिए बांटने वाली राजनीतिक दुकान चलाई जाती रही, लेकिन अब ऐसी साजिशें और नहीं। अब हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश और सियासत बर्दाश्त नहीं करेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर. डाउनलोड इट नाउ.